नमस्कार, मैं राव साल भी आपका नादविनी फ्लूट में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक न्यू फ्लूट लेके आया हूँ, जो नेचुरल, उसमें नेचुरल नोन है। सेकंड थी उसका डायमीटर शंख बासरी का है, और जो रेगुलर शंख बासरी के लिए 33-34 mm का जो डायमीटर यूज़ करके हम ये शार्प शंख बनाते हैं, उसी डायमीटर लेके मैंने सी शार्प बनाई है। ये बनाने के पीछे दो मकसद थे मेरे, एक तो फिंगरिंग इजी हो जाए, सेकंड थिंग्स उसमें जो बेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये दो चीज़ मैंने इसे कंसीडर करके ये फ्लूट बनाई है। ये वो फ्लूट है, नेचुरल नोड है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से उनके साइज काफ़ी बड़े हैं, जिससे कोमल स्वर प्ले करने में कोई तकलीफ ना हो। सेकंड थिंग्स, यहाँ पे बहुत ही हल्का सा नॉर्मली क्या किया है, कस्टमाइजेशन, यानी कि थोड़ा इस साइड इसे दुखा दिया है, जिससे कि इजीली प्ले हो। ये ऐसे नहीं भी करते तो फिर भी ये प्ले हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। सेकंड थिंग्स, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मैंने हल्का सा किया, ज़्यादा नहीं है, वो बस होल को ज़्यादा थोड़ा किल कर दिया है। अगर मैं इसकी डायमीटर की बात करूँ तो ये डायमीटर 33 mm का है, एग्जैक्ट 33 mm इसका डायमीटर है। सेकेंड थिंग्स, टोटल फ्लूट की अगर मैं लेंथ बात करूं तो ये 32 inches की है टोटल लेंथ, यहाँ से 32 inches की है। मतलब ये अब अगर देखेंगे तो ये लगेगा नहीं कि ये सी शार्प है, लेकिन ये प्ले करने में और ये ग्रिपिंग में बहुत इजी है, इट्स वेरी स्मूथ और इजी टू प्ले। अब इस प्रकार से आपको ये गर्दन में कोई यानी कि स्ट्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हल्का सा, ये जो माउथ होल है विथ रिस्पेक्ट टू ये होल के, इसे थोड़ा अंदर टील कर दिया है, जिससे कि क्या हो जाए, प्ले करने में कोई दिक्कत ना आए, इजीली प्ले कर सकते हैं। इस प्रकार से ठीक है। सेकेंड थिंग्स, ये फर्स्ट टू सेकेंड यानी कि ऊपर के तीन होल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये 10 cm है, और ये लास्ट में भी 10 cm है, यानी कि इन बिटवीन का डिस्टेंस 10 cm, ये भी 10 cm। अब ये मेजरमेंट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि ये डिस्टेंस और ये हम क्या हम इसे प्ले कर पाएंगे, तो आपके पास जो भी फ्लूट हैं सपोज ई की, तो उस पर ये मेजरमेंट देखिए। आप जो अभी रेगुलर प्ले कर रहे हैं उसमें अगर ये 10 cm तक आता है, मतलब ये फ्लूट आप ई कैन इजिली प्ले इट नाउ, और लगभग जो भी ई बेस होती है उनका डिस्टेंस इतना ही होता है। तो मैंने ये ई बेस के डिस्टेंस में सी शार्प बनाई है। अब इसका हम आवाज़ देखते हैं, मैं ऊपर के तार सप्तक के पंचम तक उसे प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आइए हम इसका आवाज़ सुनते हैं। इसका डायमीटर ज्यादा होने की वजह से इसमें बेस काफी है, सो द मेन मोटिव इज for the meditation purpose, now you can use this flute. Second thing, ये easy play हो जाता है, तो आप C sharp scale में जो भी song वगैरह होता है, you can easily play it now. आपको हर एक नोट प्ले करके दिखा देता हूं। क्रोमेटिक टूनर भी मैं आपको यहाँ पे
then ma shuddha ma फूक में इजीली आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पंचम। क्रोमेटिक ट्यूनर पे भी लगता है और आपको तानपुरा भी, दोनों भी इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है तानपुरा में आपको इतना आवाज मैच ना मिले, तो क्रोमेटिक ट्यूनर पे आपको इजीली समझ जाता है कि ये कौन सा नोट है और ना प्लस माइनस 50% 101% एग्जैक्टली वहां पे मिलता है। सेकेंड थिंग्स, मैं यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ क्रोमेटिक ट्यूनर सामने मैंने लगा दिया है। ये मैं इसलिए टू बी वेरी फ्रैंक क्लियर कर देता हूँ कि बांसुरी अगर रियल में ट्यून हो तो मुझे देने में मजा आता है, अदरवाइज मैंने बस एडजस्टमेंट करके दिया कुछ बांसुरी को ऐसा ऐसा करके दिया, फिर वो मजा नहीं, क्योंकि उससे ना मैं सेटिस्फाई होता हूँ ना आप सेटिस्फाई होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लूट दिए जाए, ठीक है। आगे के नोट्स मैं मध्य सप्तक के स्मूथली जा रहा है, यहाँ पे कोई एक ज्यादा मिस ब्लो करने की जरूरत है नहीं। जितना चाहिए उतना और कम फूक में, ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। Thank you.
पास है, इसका आवाज बहुत ब्यूटीफुल है और इसे आप इजीली प्ले कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे डिजाइन किया है। आज मैं इसी प्रकार से फिर से एक 30 इंटरनल डायमीटर का जो एमएम रहेगा उसमें ई बेस बना जा रहा हूँ, क्योंकि डायमीटर अगर अच्छा बना रहता है तो उसमें बेस काफ़ी मिलता है और अगर उसे प्रॉपर ट्यून किया जाए तो ऊपर के नोट भी इजीली मिलते हैं, क्योंकि ऊपर के नोट मिलने के लिए इसमें स्पेशली टेक्निक मैं ये कहूँगा कि एक ट्यूनिंग का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर आप उसे उस बेस से जाते हैं तो ऊपर के नोट आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि ये तीव्र मध्यम का अगर मैं तीव्र मध्यम नहीं मिल रहा है तो उसका जो उसे ट्यूनिंग कहाँ से किया जाता है, या पर्टिकुलर ये नोट मिलने के लिए दूसरे कौन से नोट के लिए हमें वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये पूरा ध्यान में रखते समय हम इसे ट्यून करते हैं, तभी जाके ये ऊपर के नोट सभी प्रॉपरली मैच होते हैं, ट्यून हो जाते हैं। तो इसे एक टेक्निक हम जिसे एक प्रॉपर वे से बनाते हैं, यानी कि मंत्र सप्तक का एक ट्यूनिंग होता है, तार सप्तक का एक अलग ट्यूनिंग होता है, तो उसे एक प्रोसीजर से किया जाता है कि कौन से होल को किस एंगल में उसे रब करना चाहिए, तभी जाके ऊपर और नीचे के दोनों नोट सेम फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे मैच हो जाते हैं। सो यही आज के लिए मैं आपको सी शार्प लेके आया था। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।